नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। दोस्तों, क्या आप ढेर सारी वीडियो देखने के बाद भी रक्षाबंधन का त्योहार कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, यह नहीं जान पाए हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2024 में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और रक्षाबंधन के दिन पंचक लग रहे हैं तो उनका समय क्या है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इको देखने के बाद रक्षाबंधन को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आने से पहले ही भाई बहन के मन में एक खुशी की उमंग होती है। साथ ही यह प्रश्न भी होता है कि राखी कब बांधे और रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहते राखी का त्योहार कैसे मनाएं। तो दोस्तों, खासकर बहनों के मन में जितनी खुशी राखी के त्योहार को लेकर होती है उतना ही भय भद्रा को लेकर होता है, क्योंकि इसका संबंध उनके भाई के जीवन से होता है। बहनों के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी होता है कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, इसलिए उनको भद्रा के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में विचार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के पर्व में शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसलिए यह खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख ले और सभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर दे, और क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भद्रा को लेकर इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2024 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन 2024 में भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा का प्रारंभ समय सुबह में 5:53 पर है, उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा और इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ कार्य में अशुभ समय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, इसलिए यह राज पंचक होगा और इसलिए इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है।
दोस्तों अब जानते हैं सबसे जरूरी चीज जो कि है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। इस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए कुल 7:38 तक का समय मिलेगा। दोस्तों इस बार का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी भी राखी ना बांधें। आपके ऐसा करने से पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है, इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा, ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष पितृ दोष नजर दोष मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको किस प्रकार से राखी बांधना है, इसकी सही विधि क्या है, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से भाई को राखी बांधी तो आपके भाई के जीवन पर संकट भी आ सकता है, इसलिए आप सही विधि जरूर समझ ले। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहन कर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। लेकिन याद रहे कि इस शुभ अवसर पर भूल से भी काले कपड़े न पहने। इस दिन स्नान आदि करके भाई बहन को मिल भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली चंदन अक्षत राखी मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। इसके बाद भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे और अंत में भेंट अवश्य करें। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई उसके घर आता है तो उस बहन को दोष लग जाता है, पाप लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए, फिर भाई चाहे कहीं भी हो बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है या किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली लगाएं, उसमें एक राखी मिठाई अक्षत रोली चंदन का तिलक आदि रखकर भगवान गणेश को या कृष्ण जी को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर राखी बांधे। दोस्तों वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी, उसका आशीर्वाद जरूर पहुँच जाएगा। ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। तो दोस्तों यह थी रक्षाबंधन की जानकारी। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप